मुझसे सॉफ्ट पढ़ा हुआ पहले आपने? अच्छा कुछ दिनों पहले शुरू हुआ है। सॉफ्टवेयर अच्छा तो सॉफ्टवेयर को डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ भाई, नौफिल आप बताएं, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हाँ जी, क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? सर अच्छा सर, सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, जो ठीक और है। और जो कंप्यूटर कंप्यूटर की जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे सीपीयू, मॉनिटर और जो माउस है, इन चीजों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है और इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, और जिसके हम मॉनिटर की डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स को ऑन और ऑफ करने में मदद करता है। सर मुझसे आप बताएं क्या पर्पज है सॉफ्टवेयर का? ये मुसा आप ऐड कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर को पर्पज क्या है सॉफ्टवेयर का? कुछ आइडिया है सॉफ्टवेयर के बारे में? यस, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके ओके, और डेटा और प्रोग्राम दैट इज यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है। सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज है टू कंट्रोल द हार्डवेयर, ठीक, यानी हार्डवेयर को अगर हमने कंट्रोल करना है देन यू मस्ट हैव सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज है? सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज है? तो टू। कौन कौन सी? अच्छा, ये आपके सामने दी हुई है। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी, ठीक है। यस जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल और ऑपरेट हार्डवेयर, ठीक है। दो मेन कैटेगरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दो मेन कैटेगरी। क्या डिफरेंस है नौफिल सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में? सर ये मुझे नहीं पता। सर अच्छा, मूसा बताएं। मूसा आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कंट्रोल करता है जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को होल्ड करके रखता है। अच्छा, और कोई डेफिनेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में? ठीक अच्छा, देखें मैं आपको जी मुस्फरा, आप बताएं। अभी आपने पढ़ा था ना कल परसों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या डिफरेंस है? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होता है, वो हमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सर अच्छा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर?
देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा पूरा जो सर्कल जो है, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनसे रिलेटेड ये यूजर रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। इन पे यूजर रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो जो बेसिकली यूजर रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने में आपका हेल्प आउट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अच्छा और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप हार्डवेयर से आप कोई भी टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क से, रैम से, सीपीयू से, ये जितने भी टास्क परफॉर्म होंगे थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको कोर लेयर जो हार्डवेयर होती है उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और उनके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सबकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ देखें इनको कैटेगराइज किया हुआ है, ये जरा गो थ्रू करें। अब देखें यहाँ कैटेगरी दी हुई है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको तीन कैटेगरीज मिलेंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर। और ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी नौफल, आप बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सर, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, जो उसके जो बेसिक बेसिक जो फंक्शंस होते हैं और जो उसके जो कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड वगैरह जो लैपटॉप का होता है उसको सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल वही होता है। और उसे आप बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सिस्टम को ऑपरेट करता है और सिस्टम को जो चीज चाहिए होती है वो उसको देता है। ओके, मुझ पर आप बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे जनरल फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दिए हैं, सेट अप प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, या प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विद अदर सॉफ्टवेयर के अंदर। एक तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फीचर हैं, ठीक है, क्योंकि सारी फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है।
ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू अलाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रन विदाउट प्रॉब्लम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करते हैं, ऑपरेटिंग मेक श्योर करता है कि आपको यूजर इंटरफेस भी यानी सी एल आई, या तो आप सी एल आई होगा यूजर इंटरफेस या फिर जी यू आई होगा, ठीक है। कंट्रोल द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर सोर्स, इसका मतलब होता है कि जैसे डिफरेंट हार्डवेयर होते हैं इनको मेमोरी एक्सेस चाहिए होता है, ठीक है, या उनको आपने यूज करना है, प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, उनका एक्सेस आपको ही प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब आप जरा क्विकली ये गो थ्रू कर लें जनरल फीचर ऑफ एप्लिंग सॉफ्टवेयर। पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक यस सर। है, आप एक्सप्लेन करें फीचर ऑफ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। जी आपने एक्सप्लेन नहीं किया मुझसे। अच्छा समझ में आ गया आपको? ओके, यस जी नॉफिल आपको समझ में आए जनरल फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सर। ग्रो जी, अच्छा ये दिए मैं एग्जांपल ऑफ टिपिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसर बेसिकली टाइपिंग पर्पज के लिए यूज होता है, आपने इसको पढ़ लेना है बाद में। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ऐप्स जो हम मोबाइल में यूज करते हैं स्मॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर जो बेसिक जिससे हम पूरा एक सिस्टम सेटअप चलाते हैं, ठीक है, और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, अब ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप दोनों पहले ये कंपाइलर पढ़ें, आप दोनों ने एक्सप्लेन करना है, मैं किसी एक से पूछूंगा, ठीक है, जस्ट गो थ्रू, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूँ। सर पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, तो क्या समझ में आया नॉफिल? ठीक
चले मुझसे आप बताएं कंपाइलर क्या होता है, आइडिया है? तो ये कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। हाँ, कंपाइलर और एक और होता है, यहाँ नहीं दिया हुआ। कंपाइलर जो है ना ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर, ठीक है, एट अ टाइम। ये पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। अच्छा, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर है, ठीक है, ये बेसिकली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको कंपैटिबल करता है, या यूँ कह ले कि ये इनपुट आउटपुट के ये सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एनी काइंड ऑफ इन माउस कीबोर्ड, ठीक है। करें इसको पढ़ ले जरा, करें डिवाइस ड्राइवर पढ़े। हाँ, जी, नॉवेल आपने पढ़ लिया, डिवाइस ड्राइवर? जी सर, मैंने पढ़ लिया। क्या समझ में आया? सर, जो कंपाइलर होता है ना उसको जो, सर मेरे जरा माइक में जरा इशू हो रहा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, फिर चले सीखें मुझ पर आप बताएं डिवाइस ड्राइवर के बारे में। रिगार्डिंग डिवाइस ड्राइवर, डू यू हैव आइडिया अबाउट डिवाइस ड्राइवर? उस पर आपने बताना है। सर, डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो एक से ज्यादा हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। सर, अब आपको मेरी बात आ रही है अच्छी तरह? हाँ, अब आ रही है बात।
अच्छा ठीक है, मुस्पर ने बिल्कुल ठीक बताया। आपने इसको इस तरह डिफाइन करना है, डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विद कंप्यूटर, सिंपल। बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल यहाँ दी हुई है, ठीक है आपने गो थ्रू कर लेना। अच्छा लिंकर क्या होता है, एनीबडी हैव एनी आइडिया? लिंकर क्या होता है? सर लिंकर वो होता है जो मैंने जो सॉफ्टवेयर और जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंबाइन करता है। ठीक है मूसा आप बताएं। किस बारे में? लिंकर के बारे में तो क्या? ये कर डिफरेंट प्रोग्राम तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिंक करते हैं और एक सिंगल प्रोग्राम बना देते। ठीक है आपने बिल्कुल सही बताया, इसकी डिटेल पहले अच्छी तरह पढ़ ले, ठीक है जस्ट गो थ्रू डिटेल के इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अ लिंकर और लिंक एडिटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय कंपाइलर एंड कंबाइन देम इनटू अ सिंगल प्रोग्राम विच कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर। अच्छा नॉर्मली कहाँ होता है, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमें लिंकर की जरूरत पड़ती है, ठीक है हमारा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम होता है और उसके साथ हमने कुछ लाइब्रेरी फाइल भी अटैच की होती है, तो जब हम कंपाइल करते हैं तो इसके साथ लिंकर भी लिंक हमारे सोर्स प्रोग्राम से लिंक हो जाता है और मेक श्योर करता है कि पूरे तीन चार प्रोग्राम जो वर्क टुगेदर कर रहे हैं उनको एक सिंगल प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ प्रोग्रामर टू राइट डिफरेंटली टू राइट डिफरेंट पीस ऑफ कोड कॉल्ड मॉड्यूल्स सेपरेटली बट दिस सिंप्लीफाई द प्रोग्रामिंग टास्क सिंस इट अलाउ द प्रोग्राम टू बी ब्रोकन अप इन टू स्मॉल मोर मैनेजेबल सब टास्क हाउएवर एट सेम पॉइंट इट विल बी नेसेसरी टू पुट ऑल द मॉड्यूल टूगेदर टू फॉर्म द फाइनल प्रोग्राम। आपका जो मेन प्रोग्राम होता है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल प्रोग्राम होता है, सबको कंबाइंड करके रन करना। ओके सब लोग लिंकर गो थ्रू करें। ये सबको लिंकर समझ में आ गए? यस सर। मुझ पर आपको समझ में आया? नौफिल आपको आपने ब्रीफली बताया अभी तक जी, मुझ पर आप यस सर। अब देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन सॉफ्टवेयर है ना वो है ओएस, सारे काम यहीं से शुरू होते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो ओएस होगा, बाकी सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर ठीक है या कोई और सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सारे बाद में इंस्टॉल होंगे। सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं वह होता है ओएस। ओएस आपको यूजर इंटरफेस देता है जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं, हाउ टू टॉक ठीक है, हाउ टू टॉक विद कंप्यूटर, ये आपको सीएलआई एनवायरनमेंट देगा, जीयूआई एनवायरनमेंट देगा, बाय गिविंग कमांड हम हार्डवेयर से काम लेते हैं थ्रू ओएस। पहले ये पढ़ लें अच्छी तरह, देन आई विल आस्क फीचर ऑफ ओएस एवरीबॉडी।
दो फंक्शन मूसा आपने बताने हैं, दो मुस्फरा ने बताने और दो नौफिल ने बताने। चले मूसा आप बताएं, इसमें से आपने डिफाइन करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या समझना है। कोई से दो फीचर बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम के। हाँ कोई भी ठीक कोई से भी दो। है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बैकग्राउंड में यूज हो रहा था, और जो ये सारे कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को मैनेज करता है, ओके और और जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी यूजर फ्रेंडली। मुस्कुरा आप बताएं। कोई से भी दो फीचर इस इसमें से बताएं, जो अगर आपने इसमें से पढ़ा है इसमें से बताएं। सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और है ना, इससे ही सारे बेसिक काम शुरू होते हैं। ये ओके सारे बेसिक फंक्शन को मैनेज करता है और कौन कौन से वो इसके एग्जांपल है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फंक्शन है, इनपुट आउटपुट क्या है, फंक्शन है ऑपरेशन। अच्छा सर नौफिल आप बताएं, कोई से भी दो फीचर। अच्छा ये बताएं, हाँ बोले, नहीं आप बोले। नहीं आप बोले, आपने बताना है। सर वो सर मुझे नो आइडिया, ओके नो इशू। अच्छा एक चीज कोई मुझे बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई एग्जांपल, एनीबडी। उसे आप बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या है। उस पर आप बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल। अच्छा मैं बताऊं सर आप बताएं, नौकेल आप बताएं। हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है विंडो, एंड्रॉइड, आईओएस, ठीक है अच्छा क्रोम, सुने, एक तो बस। आप लोग अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप लोग अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं ठीक है, तो आपके लैपटॉप में एक तो विंडो 10 होगी या 11 होगी। किसके लैपटॉप में विंडो 10, 11 11 ठीक है ना, तो विंडो 11 इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले 10 थी, 10 से पहले 8 थी, 8 से पहले 7 थी, एक्सपी थी, ये सब क्या एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आई एंड्रॉयड ओएस होता है, और एप्पल के अंदर आईओएस होता है। ये बात क्लियर है ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं दे नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप किसी भी डिवाइस को रन नहीं कर सकते, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स्ट बेस्ड क्यों ना हो, यानी कमांड बेस्ड क्यों ना हो, यू नीड टू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है। तो यहाँ जैसे लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम इज असेंशली सॉफ्टवेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो इट मैनेजेस मैनी ऑफ द बेसिक फंक्शन ठीक है। विदाउट द ओएस मोस्ट कंप्यूटर वुड बी वेरी यूजर अनफ्रेंडली। पहली बात है कि ओएस के बगैर आप कोई सॉफ्टवेयर चला ही नहीं सकते, जब तक ओएस नहीं चलेगा ना आपका मोबाइल चलेगा, ना आपका लैपटॉप चलेगा, ना पीसी चलेगा।
ओके तो ये इस कुछ बेसिक फंक्शन दिए हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन ये कुछ बेसिक भी, आगे इनकी डिटेल आएगी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी को आइडिया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? एनीबडी हैव आइडिया? तो ये भी सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करते हैं। ओके हाँ, लेकिन एक एग्जांपल दो। कोई एग्जांपल दो। सर फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है? मुस्कुरा आप बताएं, यूटिलिटी का मतलब क्या है? देखें, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसे चाहिए होते हैं जो बैकग्राउंड पे काम करें और हमारे सिस्टम को स्मूथ रखने में हेल्प करें। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है एंटीवायरस। ये देखें, अगर एंटीवायरस नहीं होगा तो आपका सिस्टम स्मूथ काम नहीं करेगा। वायरसेस आपके सिस्टम को स्लो कर देंगे, अनरिस्पॉन्सिव कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। एंटी वायरस दिया हुआ है, एंटी स्पाई वायर दिया है, बैकअप फाइल दिया हुआ है, डिस्क रिपेयर यानी जो हार्ड डिस्क होती है उसको रिपेयर करने का सॉफ्टवेयर है। अच्छा याद रखिएगा, ये यूटिलिटी जितने भी होते हैं ये सिंगल टास्क होते हैं, सिंगल पर्पस के लिए होते हैं। इनका मेन पर्पस टू सर्व सिस्टम सो दैट यू कैन वर्क ऑन कंप्यूटर वेरी स्मूथली। नाउ फिर क्लियर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जी सर, यस उस पर आपको भी क्लियर है? सर, अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर की डिटेल देना शुरू कर दी है। सबसे पहले दी हुई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर यूजर आर प्रोवाइडेड विद अ नंबर ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम ऑफन सिंपली रेफर टू एज यूटिलिटीज तो दैट आर पार्ट ऑफ द सिस्टम प्रॉपर। ये देखिए, ये सारी एग्जाम्पल दी गई, जैसे इसको पढ़ लें, क्विकली गो थ्रू कर लें, अगर कोई इश्यू है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला पैराग्राफ पढ़ लें। हाँ, भी पढ़ लिया आप लोगों ने, ये चीज समझ आ गई आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा बढ़िया।
ओके, ये वायरस चेक करें, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले से ही आइडिया है कि ये काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपको हेल्प करता है टू किल द वायरसेस, टू रिमूव द वायरसेस सो दैट यू कैन वर्क इजीली। जस्ट क्विकली इसको गो थ्रू कर लें। सारे जनरलाइज सॉफ्टवेयर हैं, सब कोई टेक्निकल इशू नहीं है समझने का। ओके, इसमें समझने के लिए कुछ है? अच्छा, इसके बारे में बता देता हूँ। डी फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर में आपको शो कर रही है। देखें, ये हार्ड डिस्क है, उसकी ये टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस है। एवरी सरफेस को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ट्रैक, यानी सर्कल्स के अंदर। ये जो सर्कल नजर आ रहे हैं ना आपको, ये ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक को फर्दर डिवाइड कर देते हैं सेक्टर के अंदर। ये जो आपको पाई शेप नजर आ रहा है ये सेक्टर है, ठीक। और सेक्टर जो है ना होल डेटा। तो अब होता यह है कि जब हम किसी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को जब सेव करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फाइल को जब सेव करता है तो डिफरेंट सेक्टर में सेव करेगा। यानी आपकी 1 MB की फाइल है फर्ज कर लें, तो वो पूरी 1 MB की फाइल एक सेक्टर में सेव नहीं होगी, डिफरेंट सेक्टर में सेव होगी। अब उससे होगा क्या, जब हम उसको ओपन कराने जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ट्रैक फाइंड करेगा, फिर सेक्टर फाइंड करेगा, फिर इनको असेंबल करेगा। इसमें क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सिस्टम की थोड़ा डाउन हो जाएगी। तो यानी फाइल जो है आपकी फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि डिफरेंट सेक्टर में स्टोर है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि डिफरेंट सेक्टर में स्टोर है। हमने इसको करना था डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब यह है कि हम सारे सेक्टर को एक दूसरे के करीब ले आए। ऑल सेक्टर मस्ट बी इक्वल, मतलब नेबर बन जाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हम पूरी फाइल को एक वन प्लेस पे स्टोर कर सकते हैं। कैन सेव अवर फाइल ऑन वन प्लेस। तो यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है, जैसे लिखा हुआ, एज अ हार्ड डिस्क बिकम फुल, ब्लॉक्स यूज फॉर द फाइल विल बिकम स्कैटर्ड ऑल ओवर द डिस्क सरफेस, ठीक है, इन पोटेंशियली डिफरेंट सेक्टर एंड ट्रैक्स एज वेल एज डिफरेंट सरफेसेस। तो फाइल जैसे जैसे डेटा स्टोर करते जाएंगे डिफरेंट सेक्टर स्टोर फिल अप होते जाएंगे। ये सबसे बड़ा इशू आता है। तो हम क्या करते हैं जब वो जी हाँ? बोले नहीं, क्या बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है। आप जाने? हाँ चैट पे लिख, उन्होंने जाने। नाफिल आपने ऑडियो स्लो रखा करो। हाँ जी, आप किससे बात कर रहे? अच्छा नाफिल आर यू देयर? जी, आप जब घर वालों से बात करें तो ऑडियो बंद कर लिया करें। सर मैंने बोला ना ये माय इशू है, तो ये खुद ब खुद ही ऑन हो जाता, खुद ब खुद ही बंद हो जाता, मुझे पता भी नहीं चलता। अच्छा, फिर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, बेसिकली डी फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर का पर्पज ये है
कि हमने फ्रेगमेंटेड फाइल को डीफ्रेगमेंट करना है ताकि एक ही जगह पे फाइल सेव हो जाए, ये है मेन पर्पज। ओके मुझ पर आपको समझ में आया डीफ्रेगमेंटिंग सॉफ्टवेयर? यस सर। ये पूरा अब ये डिवाइस ड्राइवर है, ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है विद द सीपीयू। तो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर आर सॉफ्टवेयर विद मेक कॉम्पैटिबल ऑल आईओ डिवाइसेस। अब यहाँ पे ओएस की डिटेल शुरू हो रही है, ठीक है। अब जैसे कह रहा है टू एनेबल कंप्यूटर सिस्टम टू फंक्शन करेक्टली एंड अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू बी इंस्टॉल्ड। सबसे पहले जो हम सॉफ्टवेयर सॉल्व करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर सॉल्व होंगे। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड बोथ द एनवायरनमेंट इन विच एप्लीकेशन कैन बी रन एंड अ यूजेबल इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हम बाकी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं या इनके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो डिस्गाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये उन्होंने दी एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है मोस्ट कंप्यूटर स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ हार्ड डिस्क ड्राइव। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क ड्राइव पे स्टोर होता है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट ड्राइव सिंस दे नीड टेन टू बी वेरी लार्ज प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत लार्ज होता है, ठीक है, और ये स्टोर होता है ऑन अ हार्ड डिस्क। मोबाइल फोन एंड टैबलेट स्टोर ऑपरेटिंग ऑन अ सॉलिड स्टेट ड्राइव डिवाइस। मोबाइल फोन में सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, देन दे आर टू स्मॉल टू अकोमोडेट एट हार्ड डिस्क। ये जो है ना बहुत सारे फंक्शन दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसके थ्रू हम पूरे सिस्टम को चला रहे होते हैं। ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब यूजर इंटरफेस है, मल्टीटास्किंग का मतलब है एक वक्त हम मैनी टास्क को रन कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। यूजर अकाउंट भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, रीनेम कर रहे होते हैं, पासवर्ड असाइन करते हैं। मैनेजिंग फाइल का मतलब है कि हार्ड डिस्क में जितनी भी फाइलें स्टोर हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह कट कॉपी पेस्ट या रीनेम करना है, वो सब हम ओएस के थ्रू कर रहे होते हैं। हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ड्राइवर्स, तो बेसिकली ड्राइवर को कंपैटिबल करना होता है सिस्टम के साथ सो दैट सिस्टम कैन वर्क। एक सेकेंड और चीज़ें चले आज के लिए काफी है डॉफिन।
हाँ जी का आज के लिए काफी है, तो जी ठीक चला नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट से। जी सर ओके अल्लाह हाफिज। सर 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 एक बात क्या नहीं है सर, हाँ हाँ बोलो। वो जो उस दिन मैं टेस्ट के लिए डाल रहा था ना, तो हाँ वो मेरे कंप्यूटर के टेस्ट में डाटा ट्रांसमिशन में मेरे 20 में से 20 मार्क्स आए, पूरे 20 में से कितने, 20 पूरे मार्क्स 20 में से 20 आया? अच्छा, वो पेपर चैप्टर 2 का। अच्छा जी डेटा ट्रांसमिशन। हाँ अच्छा ठीक है। थैंक यू। और क्या लापिस।